तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि 5 KVA का स्टेबलाइजर प्राइस रिव्यू चाहिए या यस या नो। तो यहाँ पर 87% यस आया है। तो चलिए, वीडियो आ गया है तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कितना लोड डालना है, और आपको मैं बताऊंगा कि इसका प्राइस आपको लगभग कितना पड़ जाएगा आपके मार्केट में, या फिर हमारे मार्केट में कितना प्राइस में ये मिल जाता है। 5 KVA का स्टेबलाइजर है, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल में। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं 5 KVA स्टेबलाइजर के बारे में, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसका क्या क्या हमें व्यू देखने को मिल जाता है। तो साइड से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर प्लाईवुड का पूरा फिटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा प्लग इन करने का है, और यहाँ पर हमारा एक बड़ा सा बटन मिल जाता है जो कि इस ऑन ऑफ स्विच ये पूरा काम करे। ऑफ कर देंगे तो पूरा जो है हम प्लग इन करेंगे वो सब पूरा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका हाई और लो यहाँ पर आपका मिल जाता है, और बीच में रहेगा तो यहाँ पर ऑफ रहेगा। और ये हमारा जो आप देख सकते हैं सभी स्टेबलाइजर में हमारा मिल जाता है, जो कि अगर हमारा हाई में रहेगा तो इसको हम जो वोल्टेज है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको नीचे रखते हैं, अगर लो में रखते हैं, तो इसको हम घटा सकते हैं, मतलब कि वोल्टेज को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन का दिखाएगा और ये कट, मतलब कि ये रेड बत्ती हो गया, ये हमारा हरा बत्ती हो गया। तो ये हमारा सिंपली हो जाता है, और यहाँ से हम लाइट लेंगे कनेक्शन आउटपुट, जो कि मैंने तार लगा रखा है। तो कॉपर का वायर मैं यूज़ करता हूँ इसमें। तो यहाँ पर आपको एक मिल जाता है ढक्कन, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, ये आपका इस टाइप से लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है, और उस साइड भी एक हैंडल आपको मिल जाता है, जो कि स्टेबलाइजर को इधर उधर करने में आसानी आपको हो जाती है। तो ये आपको देख सकते हैं, ये सिंपली यहाँ से आएगा और इसको हम करेंगे लॉक। ये हो गया लॉक हमारा। इधर से भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हमारा मिल जाता है सेम। इसको बराबर में करके इसको हम ऊपर चढ़ाएंगे इसमें, फिर इसको करेंगे नीचे, ये हमारा हो जाता है लॉक। तो ये पूरा हमारा लॉक हो जाएगा, यहाँ से हम उठा के जहाँ भी हम रखेंगे इजिली सेफली यूज, मतलब कि इसको हम सेफ करके रख सकते हैं। तो ये था इस स्टेबलाइजर का यहाँ पर कवर, जो कि प्लाई का है यहाँ पर बना हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा है, मजबूत भी है। आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपका यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर ग्लू से यहाँ पर चिपकाया हुआ है, जो कि मैंने बनवाया हुआ इसको। तो ये मतलब कि आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 7000 से 7500 अप्रोक्स प्राइस है। मेरे को पड़ा है 7300, 7300 मेरे मार्केट में मिल जाता है, जो कि कॉपर का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप कॉपर का ही लीजिएगा तो आपका बेस्ट चलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये आपका दुर्गा स्टेबलाइजर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपका ब्रांडिंग नहीं है, ये किसी भी लोगों में आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो आपका कॉपर का होना चाहिए, तो आपका सबसे बेस्ट स्टेबलाइजर यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर इसका लोड कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 5000 वाट तक इसमें हम लोड डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4000 वाट या फिर 4500 वाट तक इसमें हम लोड डालेंगे। 4000 ही बेस्ट रहेगा, लेकिन 4500-5000 तक भी हम डाल देते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो। अगर यहाँ पर मोटर की बात करें तो यहाँ पर मोटर हम चला सकते हैं 1 HP वाला, 1 या 2 आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, या फिर 2 HP वाला 1 यूज कर सकते हैं। तो इजीली हम इसको ऑपरेट कर, मतलब कि चला सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं। तो मैंने आपको प्राइस बता दिया है कि 7500 लगभग अप्रोक्स आपको पड़ जाएगा। मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, मैं सभी वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके मार्केट में कुछ अलग प्राइस होगा, मेरे मार्केट में अलग प्राइस है। तो ये मेरे को पड़ा है 7300, अपने मार्केट में आप पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, बाय बाय, गुड बाय।